हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज कैसी वीडियो में हम गेम प्ले करने वाले हैं इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हमें रेलवे जंक्शन पर, हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी रेलवे के लिए, रेलवे की जो ट्रैक मेंटेनेंस के लिए। तो अब हमारा काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे ये वाला जो ट्रैक है, यहाँ पे ये हमने नया ट्रैक डाला हुआ है, इसके लिए हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी। तो फिलहाल अब हम चलते हैं। आपने अगर देखा हुआ तो जो रेलवे मेंटेनेंस की टीम होती है या रेलवे की जो टीम होती है जो ट्रैक मेंटेनेंस करती है जगह जगह जाकर, उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन दी जाती है जिसमें एक या दो कोच रहते हैं ओनली। तो हमारे लिए भी यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, जिसमें WAP-7 लोकोमोटिव लगा हुआ है एंड जो कि उत्कृष्ट कोचेस के साथ है। यहाँ पे टोटल 3 कोच इस ट्रेन में लगाए गए हैं, ठीक है। इसमें किसी भी ट्रेन का नाम नहीं दिया हुआ क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है जो कि केवल जो वर्कर्स हैं इंडियन रेलवे के, केवल उनके लिए यह दी जाती है ये ट्रेन। तो हमें यहाँ से, हमारा काम तो हो चुका है, अब जल्दी से हम खाना पीना यहाँ से ले लेते हैं हमारे लिए। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे इंडियन रेलवे की केटरिंग सर्विस पे। यहाँ पे आप देखिए टी है, कॉफ़ी है एंड ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये स्नैक्स आई थिंक, हाँ स्नैक्स है और कूल ड्रिंक्स है आई थिंक। या आप देखिए क्या गजब दिख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पानी की बॉटल है, ड्रिंक्स है और चॉकलेट्स हैं, सामने लेज और चिप्स वगैरह सब खड़े। तो हम एक पानी की बोतल ले लेते हैं, ठीक है ले ली, एक स्नैक्स ले लेते हैं और बाकी हमने सब ले लिया है। तो यहाँ पे ओ माय गॉड, ट्रेन आ रही, ओ नहीं 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 भाई नहीं बे, ओ सिट 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 प्लीज़ नहीं, कोई तो रोको इसे यार, सिट बे, रुक जा प्लीज़ कोई तो तरीका बताओ यार इसे रोकने का। नहीं और सिट मैन, ओ सिट यार, ये क्या हो गया बे, ये तो यार बहुत ही गड़बड़ हो गई। हमें पता ही नहीं था कि हमारी ट्रेन पीछे से निकलने वाली और वो बिना हमें लिए हुए यहाँ से निकल गई। अब एक्चुअल में क्या है कि ये ट्रेन तो हमारी स्पेशल ट्रेन थी जो कि निकल चुकी है यहाँ से, तो अब ये जो साइड में आ रही है यहाँ से तो कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, अब हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा इस ही ट्रेन में बैठ के। ये शायद से कोई जंक्शन पर जाएगी, ओके ये रेलवे जंक्शन पर जाएगी, तो हम इसमें बैठ के यहाँ से जाने वाले हैं। तो फ़िलहाल आप देखिए, ये बहुत ही सही नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ ये। तो फिलहाल हम रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं वापस और हमारी ट्रेन ये देखिए बहुत दूर जा चुकी है, अब तो वो दिखना भी बंद हो चुकी है। और ये एसी कोचेस आ चुके हैं, तो एसी कोच में ही हम जर्नी करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी जो वर्कर होते हैं जो इंडियन रेलवे के, वो या चाहे वो TT हो, लोकोमोटिव गार्ड या फिर कोई भी ट्रैक मेंटेनेंस के लिए कोई वर्कर हो, तो सबके लिए कुछ सीट अलॉट की जाती हैं, पर्सनली सीट उसकी फैमिली के लिए और उसके लिए एक पर्सनल सीट अलॉट की जाती हैं जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम इसमें एसी कोच में चढ़ जाते हैं, एसी कोच में हम आ चुके हैं, आपको अंदर से व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एसी कोच रहा ये, यहाँ पे आप व्यू देखिए, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है, ये देखो गाइस, बहुत ही क्लासिक मैन, क्लासिक, ठीक है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, ट्रेन को निकलने में यहाँ से अभी थोड़ा टाइम है, तो थोड़ा बाहर घूमते हैं। लेकिन क्या ही करें यार, एक ट्रेन जो हमारी स्पेशल ट्रेन थी वो तो छूट गई, अब क्या कर सकते हैं, तो जो अच्छा नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देखिए एसी 3 AC टियर के सामने हम खड़े हुए हैं, तो वेट करते हैं इस ट्रेन के यहाँ से निकलने का। आई थिंक यहाँ से राइट साइड से भी कोई ट्रेन आ रही है, देखना पड़ेगा, मुझे महामाना एक्सप्रेस लग रही है अगर आप देख सकें तो बिल्कुल। ओके वो हमारी ट्रेन निकल चुकी है, यहाँ से जल्दी से चलते हैं, एक गलती तो हम कर ही चुके, अब दूसरी गलती हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बैठ जाते हैं, ये देखिए गाइस क्या शानदार लग रहा है, बॉस सीट नंबर देखते हैं, हमारी सीट नंबर हमें मिली है 25 सीट नंबर पर हम बैठे हुए हैं। और ये रही केटरिंग जहाँ से हम सामान हमारा ख़रीद रहे थे और पीछे से हमारी ट्रेन निकल गई थी गाइस, जो कि बहुत ही बुरा काम था। और उस तरफ वाले प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी, स्पेशल ट्रेन जिसमें ओनली 3 कोचेस थे, मतलब अच्छा नहीं हुआ, हम देखते वो ट्रेन कहाँ जाती, हमें कहाँ पे लेके जाती, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब वो निकल गई तो निकल गई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें एक्चुअली में हमारी गलती थी। तो आपको गेट पे से ले जाके इसका व्यू दिखाता हूँ मैं, गेट का डायरेक्शन, ओ माय गॉड ये क्या है, ये क्या हुआ भाई, ये ट्रेन रुकी क्यों, क्या उससे यार, ये ट्रेन ड्रिल हो गई, महामाना एक्सप्रेस और ये हमारी जो ट्रेन है ये दोनों टकरा कैसे गई बे, आज चल क्या रहा है इस गेम में, ये ट्रेन कहाँ से आई, महामाना एक्सप्रेस का तो हमें पता ही नहीं था, ये बीच में कहाँ से आ गई, उससे यार अब क्या ही बताऊँ, आज लगता है ये
मुझे घर नहीं जा पहुंचने देंगे, आज मेरा दिन ही ख़राब है या फिर इन ट्रेनों का दिन ख़राब है, जो भी हो ख़राब दिन है एक्चुअली में मेरा। और ये देखिए ओके, तो इसी ट्रैक पे ये खड़ी हुई थी ये महामाना एक्सप्रेस, और पीछे से ये ट्रेन आ गई हमारी और दोनों में ज़बरदस्त टक्कर हो गई, तो डीरेल्ड हो गई ये वाली जो ट्रेन है महामाना एक्सप्रेस। एंड यहाँ पे आप इसके कोचेस देखिए, एक के ऊपर एक चढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट था। अच्छा हुआ हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, अगर स्पीड ज़्यादा होती तो महामाना एक्सप्रेस का तो पूरा कबाड़ा हो जाता और हमारे लोकोमोटिव का भी पूरा कबाड़ा हो जाता। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि घर हम कैसे जाएं, फ़िलहाल हमें आज की रात जो है वो यहीं पे इसी स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे काटनी पड़ेगी, खाना पीना यहीं से लेना पड़ेगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।